Hello learners, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. So as you know, आप सब मुझे Unacademy के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं. सो बहुत प्रॉब्लम आई आज. हमारी 1.5 घंटे की क्लास थी Unacademy पर, स्पेशल क्लास थी दैट वॉज ऑन. इसके ऊपर थी स्पेशल क्लास मोर देन फिगर्स के ऊपर अगेन, ठीक है. लेकिन कई स्टूडेंट्स को अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है. क्यों? एक अब कईयों ने पहला पार्ट नहीं देखा, कईयों ने उस वजह से उनको नहीं पता था, ठीक है. अगर हुई है थोड़ी थोड़ी हुई है. सो इस बार जिन्होंने मिस कर दिए क्लास, उनके लिए फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, सो दैट आपका जो क्लास है मूड्स एंड फिगर्स की वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है. यू ऑल नो अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन क्लास. वी विल नॉट टेक इनफ टाइम ऑन दिस. एंड नाउ अब मैं आपको एक एक करके ना समझाऊंगी मूड्स एंड फिगर्स होता क्या है, ठीक है. आराम से शांति से समझेंगे अपने इस टॉपिक को. और मैं इस वीडियो अपने इस मूड्स एंड फिगर्स को ना चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्या क्या आपको रिवाइज करना है, ठीक है. सो पहला स्टेप हमारा होता है टॉपिक्स मूड्स एंड फिगर्स में. बेसिकली तीन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म को फाइंड करना, मतलब स्टेटमेंट में से. और अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है. सेकंड पार्ट क्या है, आप फाइंड करेंगे उसका मूड क्या है. थर्ड पॉइंट क्या है, फिगर को आप फाइंड करेंगे. मूड की मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बनाई है, वो भी डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट. देखो एक एग्जांपल दी हुई है यहां पर, नो बर्ड्स आर मैमल्स. सेकंड है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स. थर्ड क्या है, देयरफॉर नो डॉग्स आर बर्ड. अब धीरे से समझते हैं. जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वहां पर लिख लीजिए स्टेटमेंट नंबर वन, सेकेंड पर लिख लीजिए स्टेटमेंट नंबर टू, थर्ड पर लिख लीजिए कॉन्क्लूजन. थर्ड वाला कॉन्क्लूजन होता है ना, कॉन्क्लूजन, ठीक है. अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें कॉन्क्लूजन देखना होता है, ठीक है. कॉन्क्लूजन देखते हैं. कॉन्क्लूजन के साथ लिखा हुआ है नो डॉग्स आर बर्ड्स. जो आपको ये फर्स्ट वर्ड होता है ना, अब इसको समझे, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. क्या होता है, सब्जेक्ट. जो दूसरा वर्ड होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. हम अपने सब्जेक्ट को माइनर टर्म बोलते हैं. ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है. सब साथ साथ याद करें, जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेजर. डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम बोलते हैं माइनर. बर्ड हमारा क्या है, बर्ड्स हमारा क्या है, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मतलब पीछे आने वाला, डॉग्स मतलब आगे आने वाला. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर डॉग. बर्ड्स हमारा प्रेडिकेट, पीछे आ रहा है, दैट इज अ मेजर टर्म. रूल कहता है जो आपका बर्ड्स होता है ना, दैट इज जो आपका मेजर टर्म होता है ना, वो कहाँ पर आता है, पहली स्टेटमेंट में. जो आपका बर्ड क्या हमने डिसाइड किया था अभी, दैट इज कौन सी टर्म, हमारा मेजर टर्म. मेजर बताया था ना, बर्ड्स होगा प्रेडिकेट. बेसिकली जो लास्ट वर्ड आपका कॉन्क्लूजन का होता है वो आना चाहिए पहली स्टेटमेंट में. दूसरा रूल है, ये जो डॉग्स है ना, डॉग्स, डॉग्स कौन सा होता है, हमारा माइनर प्रीमाइज होता है. और ये हमारा आना चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट में. अगर ऐसा है, अब यहां पर हम देख रहे हैं हाँ जी जी ऐसा ही है, तो इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले रिवीजन टाइम अब ये है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है थर्ड सेंटेंस को. थर्ड सेंटेंस को हम बोलते हैं कंक्लूजन.
उसके बाद हमने देखना होता है जो फर्स्ट पार्ट होता है थर्ड सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं माइनर। जो सेकंड पार्ट होता है थर्ड सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं मेजर। उसके अलावा होता है मिडल टर्म। यहाँ पर देखेंगे मिडल टर्म क्या है। मिडल टर्म होती है, सॉरी, मिडल टर्म होती है जो दो बार अक्कर करती है, दैट इज दोनों के दोनों प्रीमाइजेस में आती है। ये दोनों प्रीमाइजेस है ना, दोनों के दोनों प्रीमाइजेस में आती है। सो जो दो बार हमारी अक्कर हो, मैमल्स, मैमल्स हमारा होता है मिडल टर्म्स। ठीक है, इन सब के आगे ना रूल्स आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पहला स्टेप आपको देखना है, पहला स्टेप। ठीक है, सो आई होप फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया है। दैट इज क्या देखना है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप होता है मूड को फाइंड करना। अब मूड पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मूड फाइंड आउट इस लेक्चर में दिखाऊंगी, आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के स्टेप्स। मूड को देखते हैं, मूड आपने अगर साइलॉजिजम्स किया हो तो आपको पता हो यहां पर होता है ऑल, यहां पर होता है नन, यहां पर होता है सम, यहां पर होता है सम नॉट। इसके साथ आपने चार वोवल्स है उसको याद करना है, ए ई आई ओ, ये चार वोवल्स। तो रूल क्या कहता है देखिए अब, कि हमने ना इसका मूड बनाना था। मूड का मतलब है ये ए ई आई ये सब चीजें लगानी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, पहले वाले के साथ क्या लगा हुआ है, नो, नो को देखेंगे क्या है ये ई, नो को हम क्या बोलते हैं ई, जिसके आगे आप लिख लीजिए ई। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑल। अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखा इट मींस वो ऑल होता है, ये भी ध्यान में रखना। ऑल, ऑल हमारा कहां पर लिखा है ये, और एक ऑल के ऊपर क्या लिखा हुआ ए, तो ये वाला हमारा हो गया ए। थर्ड स्टेप होता है हमारा ये वाला स्टेट, इसको कंक्लूजन का देखना, कंक्लूजन हमारा है नो, फिर ये आ गया ई। तो हमारा मूड बना यहां पर ई ए ई। ठीक है, इतनी चीज याद रख लो, ठीक है ना, ये इससे हमारा मूड बनता है। थर्ड स्टेप है गाइस फिगर, कि कौन से फिगर में आता है। ठीक है, तो फिगर के लिए वो आपको अलग से स्टेप है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करा मूड एंड फिगर। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको करना है। उसके अलावा एक थेरेटिकल चीज याद करवा देती हूँ, टोटल हमारे पास 256 मूड्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 24 वैलिड है। 24 में से भी हमने जो याद करनी है ना, जिसकी मैं आपको ट्रिक्स करवाऊंगी, वो है सिर्फ 15, और उसमें से जो 9 है वो है कंडीशनली वैलिड। सो उसको याद किए बिना आपके कैसे आंसर निकलेंगे, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। एक एक स्टेप करके करेंगे तो आपको रिवाइज रहेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।